नाउ वार्स पर रिलीज हुई नेल पॉलिश हिंदी फिल्म की कामयाबी के लिए अभिनेता दीपक चड्ढा ने सांवलिया धाम में टेका माथा। राजस्थान दौरे पर आए अभिनेता दीपक चड्ढा ने अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच दौसा जिले के स्थित बांदीकुई उपखंड के करनावर में सांवलिया सेठ धाम पर सह परिवार माथा टेक विश्व शांति की प्रार्थना कर अपनी फिल्म नेल पॉलिश की सफलता की अर्जी लगाई बाबा के चरणों में। राजस्थान भारतीय कांग्रेस आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सोनलाल के नेतृत्व में लोगों ने राजस्थानी परंपरा में अभिनेता दीपक चड्ढा व उनके बेटे का माला व सापा बंधाकर स्वागत किया। इस दौरान अभिनेता ने मंदिर में लगे बड़े नंगाड़े का भी लुत्फ़ उठाया। अभिनेता दीपक चड्ढा लगभग 250 टीवी सीरियलों में भी काम कर चुके हैं, जिनमें सबसे अत्यधिक पॉपुलर टीवी सीरियल अभिनेता दीपक चड्ढा के अनुसार रोशनी, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, लाडो, प्रतिज्ञा, चांद छुपा बादल, देवी, गुनाहों का देवता, नागिन रहे हैं। उन्होंने सीआरडी क्राइम, पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे धारावाहिकों में भी उन्हें देखा जाता रहा है। दीपक चड्ढा ने कई हिंदी फिल्मों में भी देखा गया है, जैसे वांटेड, ट्रंप कार्ड, आर राजकुमार, लफंगे परिंदे आदि में भी अभिनेता दीपक चड्ढा ने कार्य किया है। सांवलिया धाम पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है, साथ ही कहा कि आम जनता का प्यार व स्नेह के साथ स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिले एवं सांवलिया धाम सेठ का आशीर्वाद मिले तो हिंदी फिल्म बने, जिससे बाबा को भारत देश ही नहीं विश्व के लोग भी देखने के लिए आए। इसके बाद अभिनेता मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो गए, जिनका रास्ते में जगह जगह फूल माला व सापाओं से स्वागत किया गया। सामरे सेठ जी ने मुझे बुलाया है, मैं पहले भी एक बार आया था यहाँ, मुझे सोनलाल मीणा जी यहाँ लेके आए थे और महेंद्र जी से तो मैं जुड़ा ही रहता हूँ, रोज़ मुझे सुबह सुबह ये दर्शन कराई देते हैं, रोज़ मुझे व्हाट्सअप पे श्रृंगार होता है जब सामरे सेठ जी का, तो ये मुझे फ़ोटो भेज देते हैं। तो बाबा की इतनी कृपा हुई है मुझ पर कि फर्श से अर्श तक पहुँचाने में बाबा का ही हाथ है, तो इसलिए अच्छा ही लगेगा, बाबा का आशीर्वाद लेना तो सबको ही अच्छा लगता है। और ये राजस्थानी परंपरा से जो आज आपका स्वागत हुआ, ये कैसे लगा? राजस्थानी परंपरा तो हमारी दुनिया की वो रिच परंपरा है जिसके स्वागत को तो बड़ी बड़ी हस्तियां तरसती हैं, और आपने शायद देखा भी होगा कि जितने हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, चाहे वो करीना कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, शादी करने राजस्थान ही आते हैं। इस परंपरा का स्वागत तो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, और राजस्थानी परंपरा ने ही इस देश को बचा रखा है, वरना ये देश तो कब का मिट्टी की गर्त में चला गया होता। सर, आगे आपका सांवलिया सेट पर कोई फिल्म बनाने का प्रोग्राम? जी, जब यहाँ के लोग चाहेंगे तो बनाऊंगा तो नहीं, उसमें काम ज़रूर करूंगा, पर बनवाने में जो सहयोग मुझसे हो सकेगा, OTT प्लेटफॉर्म में, प्रोडक्शन में, बड़े डायरेक्टर लाने में, बड़े अपने को आर्टिस्ट लाने में, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उनको बताऊंगा सांवरे सेठ जी के बारे में, तो वो लोग भी सब काम करेंगे। बस काम तो शुरू तो आप लोगों ने करना है, यहाँ की जनता ने, हमने तो सहयोग देना है, पर जितना बेहतर से बेहतर सहयोग हो सकेगा हमारी तरफ से, हम लोग निस्वार्थ तन मन से वो काम करेंगे। आप शुरू करवाइए राजस्थान की जनता से, कब शुरू करवाना है। सर, आपकी जीवन में सबसे बेस्ट फिल्म? जी, आपकी सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी रही सर आपके जीवन में? मेरी बेस्ट फिल्में तो सारी थी, तनु वेट्स मनु बहुत हिट थी, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है गिन्नी वेट्स सन्नी, आज ही मेरी फिल्म रिलीज हुई है 1 जनवरी 2021 को नेल पॉलिश Z5 पे, अभी मेरा लास्ट वीक सीरियल वेब सीरीज एक हिट हुई है बड़ी, Poison 2 सीरियल मेरा नागिन बहुत ही हिट है, अभी एक सीरियल शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी अगले हफ्ते से, तो इसीलिए बाबा का आशीर्वाद देने आया हूँ। सर, सह परिवार? जी, सह परिवार आया हूँ, क्योंकि परिवार के बिना बाबा के दर्शन ले लूँ तो पता नहीं बाबा नाराज ना हो जाए। सांवलिया जी की भगत है सब, मीना जी ने बीड़ा उठाया जी, कुछ स्वागत ही हो रहा है। अरे वो उनका स्वागत हो रहा है ना भैया का।
बेटा को करो ना स्वागत, आप करो ले सोनल जी को।